आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चोरी की एक बड़ी घटना हुई है। यहां अज्ञात चोरों ने सीधी के जाने माने संविदाकार के शून्य आवास में धावा बोलते हुए तकरीबन 50 लाख की चोरी की है। बताया जाए कि घटना के वक्त पीड़ित संविदाकार का पूरा परिवार घूमने गया हुआ था, जहां से दूसरे दिन वापस लौटने पर जब चोरी की जानकारी हुई तो पीड़ित परिवार के होश उड़ गए। घटना 29 और 30 दिसंबर की दरमियानी रात कोतवाली थाने के डेनीहा गांव की है। इलाके में हुई चोरी की इस बड़ी घटना की खबर फैलते ही सनाका खिंच गया, तो वहीं पुलिस ने चोरों की पता तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पीड़ित संविदाकार अजय सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते 29 दिसंबर को उनका पूरा परिवार घूमने के लिए बांधवगढ़ गया हुआ था। 30 दिसंबर को जब परिवार अपने घर वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। चोरी का आभास होते ही जब पीड़ित परिवार ने घर की अलमारियों को देखा तो लॉकर में रखी ज्वेलरी समेत नकदी रुपए गायब थे। पीड़ित की माने तो चोरों ने उनके घर से तकरीबन 50,000 की नकदी समेत सोने चांदी की ज्वेलरी मिलाकर कुल 50 लाख की चोरी की है। मामले में पीड़ित संविदाकार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए हैं और अज्ञात चोरों की पता तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि घटना में किसी जानकार व्यक्ति का हाथ है, जिसे परिवार के बाहर जाने के साथ साथ घर में ज्यादा सोना चांदी होने की जानकारी पहले से ही थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और संदेहियों की धरपकड़ कर पूछताछ में जुटी है। इसमें